नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं पटना के गांधी मैदान में। आज 22 मार्च है और 22 मार्च के दिन बिहार दिवस है। इस साल बिहार सरकार अपना 111वां बिहार दिवस मना रहा है, जिसको लेकर गांधी मैदान पूरी तरह से सजधज के तैयार है। हम आपको बता दें कि सन 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से एक राज्य अलग हुआ था और उस राज्य का नाम रखा गया बिहार। तब से लेकर आज तक 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। सन 1898 में सिपाही विद्रोहियों के खिलाफ इसी धरती के रहने वाले वीर कुंवर सिंह ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसी तरह के अनेकों इतिहास से बिहार और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है और बिहार को देखने और सुनने में लोग दिलचस्पी रखते हैं। सन 1935 में एक और राज्य बिहार से अलग हुआ था और उस राज्य का नाम था उड़ीसा। हम आपको बता दें कि उसके बाद 2015 नवंबर के दिन एक और राज्य बिहार से अलग होता है और उस राज्य का नाम है झारखंड। और तब से बिहार का महत्व और भी निखर के सामने आ गया और तब से बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हम आज गांधी मैदान में मौजूद हैं और आपको कुछ खास जो बिहार सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है इस बिहार दिवस के अवसर पर। और इस साल बिहार दिवस 3 दिवसीय में मनाया जा रहा है, यानी कि 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक बिहार दिवस मनाया जाएगा और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किया गया है। इसी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत ही ज्यादा पुख्ता किया गया है। प्रश्नों की भी भारी मात्रा में यहाँ पर तैनाती की गई है सुरक्षा दृष्टि के कोण से। और अब हम आपको बता दें कि आज जो है स्टेज के ऊपर जावेद अली जो है परफॉर्म करने वाले हैं रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, जिसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि आप पीछे की दृश्य दिखा दें कि मंच से लेकर पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर पुख्ता किया गया है और भारी मात्रा में प्रशासनों की तैनाती भी की गई है। अभी से ही यहाँ पर प्रशासन जो है अपना कार्य करना शुरू कर दिए हैं। जहाँ तहाँ जिसकी भी गाड़ियाँ लग रही है उसे साइड कर रहे हैं ताकि यहाँ जो भी व्यवस्था हो वो पुख्ता हो सके। आप मेरे पीछे, मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि एक बार आप गांधी मैदान की पूरी तस्वीर को दिखा दें कि किस तरीके से बिहार सरकार जो है अपना 111वां बिहार दिवस जो है मना रही है। आप मेरे पीछे पोस्टर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत पोस्टर जो है बिहार दिवस के नाम से लिखा गया है, बिहार दिवस 2023। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की उद्घाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आएंगे। जावेद अली जो है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक गांधी मैदान के मंच पर परफॉर्म करेंगे और अपने सुरों से जो है मंच को सजाएंगे, दर्शकों को लुझाएंगे। आप देखने जरूर आइएगा, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इस साल नहीं, इस साल के भांति अन्य हर साल आज 111वां दिवस जो बिहार सरकार मना रही है, इससे पीछे भी बिहार सरकार इसी तरीके से बिहार दिवस मनाती आ रही है, लेकिन इस साल कुछ अलग देखने को मिल रहा है। सुरक्षा दृष्टि से जो है 3 एम्बुलेंस गांधी मैदान में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पीएमसीएच में कुछ अलग से स्पेशल डॉक्टर भी रखे गए हैं ताकि अगर कोई अनहोनी होती है तो उसकी ट्रीटमेंट जो है सही तरीके से हो सके। मैंने आपको बताया कि प्रशासन की तैनाती भी पुख्ता किया गया है, लगातार मॉनिटरिंग की गई है। गांधी मैदान में 4 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं जो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। सीसीटीवी की व्यवस्था जो है पुख्ता किया गया है और कुछ मजिस्ट्रेटों की नजर जो है वो पूर्ण रूप से सीसीटीवी पर टिका रहेगा ताकि कोई अनहोनी ना हो। गेट नंबर 4 से मुख्य अतिथियों की एंट्री होगी और गेट नंबर 4 को छोड़कर किसी भी गेट नंबर से आपकी एंट्री हो सकती है। हम आपको बता दें कि शाम 5:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री आएंगे नीतीश कुमार, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और मैंने बताया कि मुख्य अतिथि के तौर पर तेजस्वी यादव यहां मौजूद रहेंगे। आप मेरे पीछे देख लीजिए एक बार फिर से कि अभी से ही लोग किस तरीके से यहाँ झूम रहे हैं और यहाँ घूमने आ रहे हैं। सभी लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमना शुरू कर दिए हैं। हालांकि प्रोग्राम जो है 5:30 बजे शुरुआत होगा और आज जावेद अली जो है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अपने सुरों के कारण मंच को सजाएंगे और दर्शकों को रिझाएंगे। धन्यवाद। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ।